हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर हिप रिप्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेट केस आते हैं जिसमें कि ऑलरेडी पहले से ही प्लेट लगी हुई होती है। ऐसे में हमारे पास चैलेंज ये रहता है कि उस प्लेट को निकालना होता है और लॉन्ग स्टेम THR काम में लेना पड़ता है। लॉन्ग स्टेम THR वो होता है दोस्तों जिसके अंदर की स्टेम इतना लंबा होता है कि वो प्लेट के जो छेद होते हैं उनको बाईपास कर दे, क्योंकि अगर आपने छोटा इम्प्लांट लगा दिया तो उन छेदों पर से दोबारा फ्रैक्चर होने का चांस रहता है। उसके लिए जो लॉन्ग स्टेम THR यूज़ किया जाता है उसको सॉल्यूशन स्टेम कहते हैं, जो थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन बाकी अस्पतालों की तुलना में हमारे यहाँ 1 से 1.5 लाख रुपए कम में ही हो जाता है। ज़्यादातर जगह आप सॉल्यूशन स्टेम वाला ऑपरेशन कराते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आता है, लेकिन हमारे यहाँ 2 लाख रुपए में ये हो जाता है। आज मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जिनके सॉल्यूशन स्टेम लगाया गया है, आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? सर, मेरा नाम जय सालपे है। जय, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं महाराष्ट्र बीड से रहने वाला हूँ। कैसे आपके हिप जॉइंट खराब हो गए थे? सर, मेरा 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, फिर बाद में स्क्रू डाले थे उसमें, स्क्रू और प्लेट वगैरह डाले थे। 2 साल तक चला, फिर बाद में पेन चालू हो गया, 1 साल से पेन वगैरह चालू था उसमें। तो आपने वहाँ बीड़ में दिखाया था, क्या डॉक्टर्स क्या कह रहे थे वहाँ पे? बीड़ में नहीं सर, मैंने पुणे में दिखाया था, तो पुणे में बताया था हिप रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। पर आप ऑपरेशन का डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे थे? सर, ऑपरेशन का डिसीजन क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी और ना फर्क था पूना और यहाँ की कॉस्ट में 50% का डिफरेंस था सर। मतलब जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि 5 लाख के करीब बता रहे थे। हाँ हाँ, तो आपको तो एक बार तो ऐसा लगा होगा कि शायद जिंदगी भर ये ऑपरेशन करा ही नहीं पाओगे। हाँ, लगा था ना सर, मुझे डर था कि इतने पैसे कहाँ से अरेंज कर पाऊंगा। और बात बताओ, जब वहाँ 5 बताया और मैंने इतना कम बताया तो आपके मन में ऐसा नहीं आया कि डॉक्टर साहब कहीं चाइनीज सामान तो नहीं लगा देंगे? नहीं सर, आया था एक बार, बट मैंने क्या किया, मैंने आपके पूरे वीडियोज देखे थे और पुणे में मैंने जो 5 हॉस्पिटल देखे थे ना, तो उसमें से एक हॉस्पिटल ने आपको सजेस्ट किया था। अच्छा, पुणे वालों ने बोला? हाँ, कि नवीन जी के पास ही चले जाओ। हाँ, तो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑपरेशन में? तो दर्द के मारे आपकी चीख ही निकल गई होगी। नहीं सर, कुछ नहीं, पहले का जो ऑपरेशन हुआ था उसमें तो भी दर्द हुआ था, यहाँ पे कुछ भी दर्द नहीं हुआ मुझे। कौन से दिन से आपने चलना शुरू कर दिया था? 2nd डे से सर। अस्पताल का माहौल कैसा है? जैसे काफी लोग सोचते हैं कि सर पिक्चर का ट्रेलर तो अच्छा दिखा देते हैं यूट्यूब पे, लेकिन पिक्चर खराब निकलती है, तो कैसा रियल पिक्चर कैसा लगता है? अच्छी है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था सर, सपोर्टिव है। मेरे पास एक दोस्त भी 2-3 दिन से नहीं थे, तो पूरा स्टाफ नहीं देखा मुझे। आपका ये मानना है कि यहाँ पे अगर कोई चाहे तो अकेले भी आके ऑपरेशन करा के जा सकता है? हाँ सर, अकेला भी आ सकता है, कोई बात नहीं वैसे। तो दोस्तों, इनका अच्छा ऑपरेशन हो गया है और अब मेरे ख्याल से जय को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी और बार बार इनको मेरे पास आना भी नहीं है, ऑनलाइन हम इनको सपोर्ट देते रहेंगे। आपके भी अगर किसी के लिगामेंट की या तो फिर बार बार कंधा उतरने या हिप रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आई है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए और हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।